सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है आजम। दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ जो है रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, जिसमें कैपिलरी ट्यूब जो है वो आपको कौन सी लगानी चाहिए लीटरों के हिसाब से। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको वाटर कूलर और डीप फ्रीजर कि जो है ऐसे ही कैपिलरी ट्यूब का डेटा बताया था कि आपको जो है लीटरों के हिसाब से, फॉर एग्जांपल 200 लीटर है, 250 300 लीटर है आपका डीप फ्रीजर, तो उसमें उस हिसाब से 200 के हिसाब से 200 लीटर का है तो उस हिसाब से उसमें जो है कैपिलरी ट्यूब किस साइज़ की लगेगी और उसकी कितनी आपको लेंथ रखनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप रेफ्रिजरेटर और डबल डोर रेफ्रिजरेटर में लीटरों के हिसाब से जो है कैपिलरी ट्यूब कैसे सेट कर सकते हैं और कितनी उसकी लेंथ आपने रखनी है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए थे और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी ये वीडियो बनाएं और कैपिलरी ट्यूब की जो है इन्फॉर्मेशन आप हमें दें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको आपने लाइक करना है, तो क्योंकि यार थोड़ी सी मेहनत होती है और आप सभी का प्यार चाहिए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। और साथ में अगर आप इस फुली फॉर वर्ल्ड चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको दो जो है रेफ्रिजरेटर, यानी एक नॉर्मल डायरेक्ट कूलर हमारी रेफ्रिजरेटर और डबल डोर रेफ्रिजरेटर की दोनों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, जो अगर आपका रेफ्रिजरेटर 100 से 100 से यानी कि 150 या 140 के आसपास लीटरों में है, यानी कि आपका 100 लीटर रेफ्रिजरेटर है, या 120 या 140 यानी कि 150 से नीचे और 100 से ऊपर अगर आपका रेफ्रिजरेटर लीटरों में है, तो उसमें आपकी जो कैपिलरी ट्यूब है वो नॉर्मली लगेगी 026 या फिर 028 की। ओके, तो 026 या फिर 028 की कैपिलरी ट्यूब लगेगी और इसकी लेंथ जो है वो आपको तकरीबन 14 फीट रखनी है। अब प्रेशर जो है इसका वो आपने लाजमी से सेट करना है, क्योंकि प्रेशर की वजह से ही अक्सर जो है आपका ड्रायर फिल्टर वो ब्लास्ट हो जाता है या फिर आपका रेफ्रिजरेटर चोक होता है, आपका कंप्रेसर जो है उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आपने प्रेशर जो है वो नॉर्मली आपने 100 लीटर या 150 लीटर के राउंड मोड, अगर आपका रेफ्रिजरेटर है लीटरों में, तो उसमें आपको जो है साइज़ के हिसाब से यानी कि कैपिलरी ट्यूब के जो प्रेशर है वो आपको 0.026 की कैपिलरी ट्यूब लगेगी, यानी कि 026 की कैपिलरी ट्यूब लगेगी और 14 फुट आपने उसकी जो है कैपिलरी ट्यूब की लंबाई लेंथ रखनी है। प्रेशर जो है वो आपने 250 से ऊपर कोशिश करनी है कि किसी रेफ्रिजरेटर का ना ही जाए नॉर्मली, तो 250 से नीचे ही, यानी कि 230-240 के राउंड बाउंड ही आपका प्रेशर सेट होना चाहिए। प्रेशर कैसे सेट करते हैं इस पर मैंने एक दो वीडियो पहले ही बनाई हुई है, वो आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे जो है प्रेशर सेट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर आप साइड पर पूरा जो है यहाँ पर देखेंगे, एक आपको मिल जाएगी लिस्ट जिसमें आपको उसके बाद लिखा हुआ देखना मिल रहा होगा, जिसमें 100 से 140 लीटर में 026 की कैपिलरी ट्यूब और 14 फुट उसकी जो है वो लंबाई, और साथ ही में आप देखेंगे तो आपको नीचे जो है वो फिर 150 से लेकर 170 तक जो है रेफ्रिजरेटर लीटरों में है उसको 0.030 की, यानी कि 030 की कैपिलरी ट्यूब उसको लगेगी। तो उसके साथ ही जो है उसकी लंबाई जो है 10 फीट आपको रखनी है। प्रेशर आपको इसका भी 250 से नीचे ही रखना है, प्रेशर यानी कि आपको सबका ही नॉर्मली 250 से नीचे ही रखना है, कोशिश करनी है कि 250 से ऊपर ना ही जाए। इसमें आपका कूलिंग रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और कई ब्लास्ट जो है आपका ड्रायर फिल्टर वो ब्लास्ट नहीं होगा और ना वैसे इसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर अक्सर चोक हो जाती है तो चोकिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके साथ ही जो है आपको उसके नीचे मुकम्मल डिटेल मिल रही है, फिर 200 से 250 लीटर में, फिर 300 लीटर में कौन सी कैपिलरी ट्यूब और आगे कौन सा जो है उसका साइज़ वो लग रहा है। ऐसे ही जो है आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और मज़ीद मिल जाएगी और साथ में आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर का भी मुकम्मल यही कैपिलरी ट्यूब डेटा मिल जाएगा। वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक लिंक मिलेगा जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको fullyforworld.com वेबसाइट में आना होगा। तो डायरेक्ट आप जैसे ही वहाँ पर आ जाएंगे और नीचे आप देखेंगे तो आपको जो है इसका भी मुकम्मल यानी कि लिस्ट मिल जाएगी, उसको आप सेव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और साथ ही नीचे आपको जो है डबल डोर रेफ्रिजरेटर की मुकम्मल डिटेल भी मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये जो है वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो के आज के लिए इतना ही, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।